है मेरा होटल पिरामिड आई। बाहर से दिखने में कितना गया लेकिन अंदर से ठीक है। एकदम पिरामिड के सामने की लोकेशन है। करीब ओल्ड कायरो से 10-12 किलोमीटर है। मेरा 6 फ्लोर पर है। चलते हैं अपने होटल में। भाई साहब यहाँ के लोग बड़े इरिटेटिंग हैं। लिफ्ट देखो बाबा आदम के ज़माने की कटन तो भाई है लेकिन लिफ्ट शानदार है। ये 0 आया। अभी मैं हूँ सिकला हूँ और गीज़ा मेट्रो के लिए। लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है, इंग्लिश भी नहीं आती और कुछ ये लोग बताना भी नहीं चाहते। तो मैं हूँ अभी मेट्रो बस में और यहाँ से मैं जा रहा हूँ गीज़ा मेट्रो के लिए और शायद वहाँ से मुझे दूसरी को साधन मिल जाएगा। देखिए इस टाइप की है ये। ये मेरे होटल से निकलते ही है। मित्र गीजा गीजा ये जब तक बढ़ती नहीं है, ये चलती नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। और शायद इसका मुझे किराया भी नहीं पता। काफ़ी कुछ दिल्ली में सदर बाजार या डाउनटाउन काफ़ी ला रहा है। आज फ्राइडे है तो शायद छुट्टी होने की वजह से रश भी नहीं है। बाकी देखते हैं। ये है 4 इजिप्शियन पाउंड गीज़ा मेट्रो के लिए और निकल चुकी है। हम मुश्किल से 5-6 सवारी ही है, शायद पास में ही होना चाहिए। बाकी देखते हैं। ये उतर गया हूँ मैं अत्तावा। मैंने गीज़ा के मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ली तकरीबन 7 इजिप्शियन पाउंड की और उतर गया हूँ मैं अत्तावा मेट्रो। ये है ओल्ड कायरो का मेन मार्केट। सड़क की हालत आप देख सकते हैं। सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं और मार्केट खुलने को है। लोग अपने अपने दुकानों की सफाई यहाँ करके कचरा एज यूजुअल रोड पर ही फेंके जा रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत ची ची करने वाले हैं। आप कहीं भी फ़ोटो या वीडियो बनाओगे तो ये पीछे से हल्ला करके मना कर देंगे।
एक्चुअली क्या है ना, आज है फ्राइडे और फ्राइडे यहाँ सब कुछ होता है बंद, बोले तो फुल टू छुट्टी का माहौल है। यहाँ के सारे लोग बेवड़ा मार के पड़े होते हैं, लेटेले होते हैं, कुछ नहीं करना। यहाँ जो है ना, एक्चुअली मार्केट में एक लोकल बियर मिलती है, वो वीडियो मैं नहीं बना पाया। एक आदमी एक सुराही टाइप की एक बोतल को टांगे टांगे घूमता रहता है और जगह जगह वो बियर सर्व करता रहता है। ये लोग दिन भर बियर पीते हैं और चिल मारते हैं। फ्राइडे होने की वजह से देखिए सड़कें पूरी खाली हैं, कोई ट्रैफिक नहीं। ऑफिसेज, दुकानें जो हैं ये भी यहाँ लगभग आधी ही खुलती हैं, ट्रैफिक ना के बराबर है। यहाँ बेहतर है आप किसी दुकान के बाहर खड़े होकर वीडियो वगैरह ना बनाएं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत हल्ला काटते हैं, बहुत चिकचिक करते हैं। ओल्ड कैरा का मार्केट घूम लिया, कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आया। अब वापस मैं मेट्रो में बैठने वाला हूँ। मेट्रो की टिकट सेम 7 इजिप्शियन पाउंड और गीजा तक जाएगी। यहाँ का मैं जो ओल्ड कैरो के पास मेट्रो है उसका नाम है मरगिरिस, और यहाँ से मुझे मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी सदत, और सदत से फिर मिल जाएगी मेरे को गीजा के लिए। ये है मरगिरिस का मेट्रो स्टेशन। टिकट भी ये ऐसी 7 पाउंड में। एक्चुअली अब और यहाँ कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने को था नहीं, इसीलिए मैं वापस मेट्रो स्टेशन आ गया और डिसाइड किया होटल जाने का। और आज शाम को ही मुझे लाइट एंड साउंड शो देखने जाना है और उसके बाद मुझे कायरो को अलविदा कहना है। चलिए चलते हैं वापस। ये लेके जा रहे हैं मुझे अपनी ही एक प्रॉपर्टी में, जिसकी रूफटॉप से ये लेजर शॉट शो दिखता है। इसके लिए मुझे कोई और कुछ भी नहीं पे करना, फ्री है। और साथ में ये अपनी कार में मुझे इन्होंने लिफ्ट दी है। टाइम करीब 7 बजे का है शो का और 6:45 हो चुके हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस बिना टिकट के देखना। सो अभी हम लोग हैं रूफटॉप पे, सामने है हमारा गीजा और यहीं से शुरू होने वाला है। And for 5,000 years,
I have seen all the suns men can remember come up. I saw the history of the world. As tomorrow I shall see the east burning with a new flame. At the foot of such mountains of stone, everything becomes minute and insignificant. Man isn't here. In the guise of the light, how long is it yet? Monumental tomb was soon to complete the dimension marked with golden hieroglyphs, which she had prepared for the eternal journey by her son's side. ये है रामसेस स्टेशन। साला घुसना कहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा। है तो काफी बड़ा बना हुआ। सो दोस्तों फाइनली ये है रामसेस रेलवे स्टेशन का मेन एरिया, मेन वेटिंग एरिया, और यहीं सारे डिस्प्ले बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं जहां आकर आप अपनी ट्रेन का इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। इजिप्ट के अंदर अगर आपको किसी बंदे से हेल्प चाहिए या कुछ पूछना है और उस बंदे ने अगर आपको कुछ बता दिया तो वो उसकी कीमत आपसे ज़रूर वसूल कर लेगा, वो टिप ज़रूर मांग लेगा। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, यह एक जनरल प्रैक्टिस में है। इवन अच्छे अच्छे पोस्ट के लोग भी 50 इजिप्शियन पाउंड मांगते हुए नज़र आ जाएंगे। यही हुआ मेरे साथ में। मुझे जो टिकट दिया गया था उस पे मेरा प्लेटफॉर्म नंबर मेंशन था, लेकिन अरबी होने के कारण मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
बड़ी मशक्क़त के बाद में मुझे एक कोई पढ़ा लिखा बंदा मिला, उससे मैंने पूछा तो उसने इंक्वायरी काउंटर में जाकर मेरी हेल्प की। उस बंदे ने मेरे से कुछ नहीं लिया, लेकिन उस बंदे ने जिसको यह जिम्मेदारी दी थी कि वो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दे, कोई शायद काम करने वाला होगा वहाँ पे, उस बंदे ने मेरे से 50 पाउंड मांग लिए। मतलब बहुत बुरा हाल है। हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते। मैं लगभग 8-10 कंट्री विजिट कर चुका हूँ आज तक, लेकिन ये एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ यहीं देखा है। बहुत बुरा हाल है। ये फर्स्ट क्लास ट्रेन, फाइनली ट्रेन मिल गई। ये है फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन, लेकिन फर्स्ट क्लास में साली सिटिंग है, स्लीपर नहीं है। क्या कोई नहीं, अपने को बैठने से मतलब है। अभी मैं बैठ गया हूँ कायरो से अपनी स्पेशल ट्रेन 2014। करीब रात को 9 बजे बजने वाले हैं और ये छोड़ेगी मुझे आसमान तकरीबन 13 घंटे में। ट्रेन अच्छी है लेकिन स्लीपर नहीं है, बस एक वो ज़रूर प्रॉब्लम है। बाकी ट्रेन काफ़ी मस्त, इजिप्ट के हिसाब से बहुत ठीक है। मैं उतर गया हूँ लग्जोर। एक्चुअली मुझे जाना था आसवान, मैंने टिकट भी आसवान की ही ली थी, लेकिन रात को ही मेरा कुछ प्रोग्राम बदल गया और सुबह मैं उतर गया लग्जोर। लग्जोर से आसवान तकरीबन 3 घंटे हैं और क्रूज़ में मुझे आसवान ही उतरना है, इसीलिए मैं एक दिन आसवान जाकर और वेस्ट नहीं करना चाहता। अब मुझे यहाँ ढूँढना है होटल और कुछ और क्या देखने को मिलता है, आइए देखते हैं अगले वीडियो में।